भाई साहब फिलहाल हम आ चुके हैं राम समोसे वाला पे यहाँ पे अमृतसर में और इतना जबरदस्त इतना रंगारंग इनका सेटअप है। सर नमस्कार, सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है जी? ठीक है सर। सर थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। थैंक यू सर। सर आपका नाम? रॉकी। रॉकी जी, हाँ जी। रॉकी जी राम समोसे जो है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं आजकल, क्या क्या बेच रहे हो यहाँ पे? इस वक्त जो अवेलेबल है स्प्रिंग रोल है, ब्रेड पकौड़ा है। सर आपने क्या बोला? बीरबल। जो अवेलेबल है। अच्छा अवेलेबल है, अपना क्या कहते हैं स्प्रिंग रोल है, ब्रेड पकौड़ा है, गुलाब जामुन है, कचौड़ी है, पूरा यहाँ पे रंगारंग आपने सेटअप लगा रखा है। करके दिखाई दीजिए सर, ये क्या है जी? सर ये मट्ठी है। मट्ठी और चटनी इधर रखी है। और पाजी ये क्या है? ये स्प्रिंग रोल सर। इधर स्प्रिंग रोल है। सर ये ब्रेड पकौड़ा, ब्रेड का पकौड़ा है और इसके अंदर ये गुलाब जामुन भी रखे हैं भाई। सर ये लौंजी है, आलू की। ये आलू की लौंजी। चने खत्म हो गए, अब लौंजी स्टार्ट हो गई। अच्छा, सुबह चने, सुबह चने होते हैं और चने के साथ समोसे देते हैं। अरे अच्छा, पैकिंग में है? खत्म हो गए, जबरदस्त जबरदस्त। और इसके साथ ये रेगुलर इमली की चटनी है। हाँ सर, इमली और गुरकी। और इधर ये सब कुछ रेडी होके है, ये एकदम फुल डन है भाई साहब, जबरदस्त लग रहे हैं। और इधर कचौड़ी है और अमृतसर हाँ में कचौड़ी का जो साइज है ना वो थोड़ा सा छोटा, थोड़ा सा गोल मटोल है। भाजी इसमें क्या बीटी रहती है? 20 की 3 है ना, इसलिए साइज छोटा है। ये 20 की 3 है। अच्छा 20 की 3 है, 20 की 3 समोसे भी 20 की 3 है भाई साहब। 20 रुपए में 3 समोसे, 3 कचौड़ी और साथ में लौंजी। और इधर देखो कढ़ाई के अंदर ये जबरदस्त समोसे जो है वो फ्राई हो रहे हैं। बाजी कचौड़ी के अंदर क्या रहता है? दाल की, इसमें दाल की फीलिंग होती है जी। दाल को पीस के उसके उसमें डाला जाता है। दाल की पीठी दाल है और साथ में भाई साहब इसके अंदर ये देखो इधर ये स्प्रिंग रोल्स है सर। ये क्या है? ये सर स्प्रिंग रोल, स्प्रिंग रोल्स है। और ऐसे इसको ऐसे ही सर्व करते हैं, काट के सर्व करते हैं? नहीं नहीं, वो कस्टमर की डिमांड पे है। अगर ऐसे करें, लेकिन पैकिंग ऐसे करते हैं जी जी। अगर यहाँ पर कस्टमर बैठ के खाएगा उसको काट के दे देंगे जी। तो ये देखो ये लौंजी और चटनी के साथ समोसे सर्व हो रहे हैं भाई। कचौड़ी का एंगल बढ़िया वाला मिल गया। ये देखो कचौड़ियाँ कितनी जबरदस्त है, 20 रुपए की 3 कचौड़ियाँ। ये दाल वाली समोसे लग रहे हैं ये आलू की लौंजी और चटनी के साथ। और इधर देखो भाई साहब कढ़ाई जो है वो रंगारंग कार्यक्रम इनका चल रहा है जबरदस्त वाला। अजी कितनी पुरानी दुकान है ये? 60 साल से ऊपर 70 साल। अरे वाह। और राम जी कौन थे आपके? दादाजी? नहीं सर, मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, ये मेरे फ्रेंड की शॉप है। अच्छा आपके फ्रेंड की शॉप है? यस सर। ओके क्या बात है, जबरदस्त यार। जो राम है उन्होंने मतलब राम जी के नाम पे रखी है? हाँ सर, दुकान राम जी के नाम। अच्छा श्री राम के नाम पे, ये श्री राम के नाम पे दुकान है। और भाई साहब ये देखो पैकिंग कुछ जा रही है, स्प्रिंग रोल्स को पैक कर दिया है कागज के लिफाफे के अंदर। मैं तो समोसे देख के खुश हो रहा हूँ भाई, क्या जबरदस्त लग रहे हैं, इतने ज्यादा बड़ी कढ़ाई में समोसे, 40 समोसे बने हो ना। और यहाँ पे भाई साहब लिटरली मारा मार है जिस तरीके से ऑर्डर्स लग रहे हैं। 4 पीस, क्या बात है। अभी यहाँ 3 स्प्रिंग रोल्स है। इसके अंदर क्या स्टफिंग है? नूडल्स की। तो ऐसा करिए एक तो स्प्रिंग रोल्स लगा दीजिए सर, और समोसे लगा दीजिए, और साथ में ये कचौड़ियाँ भी दिखाइए, सब कुछ दिखाइए। एक मैं देखना चाहता हूँ गुलाब जामुन कैसे, एक बार गुलाब जामुन चला के दिखाएंगे। ये देखो भाई एकदम जबरदस्त सिरप वाले गुलाब जामुन है। और इधर ये जो स्प्रिंग रोल्स है ना ये हाफ डन है, इसके अंदर नूडल्स हैं, मट्ठी है, उधर भी मट्ठी है। और भाई दुकान जो है 60-70 साल पुरानी। दिखाइए सर अभी क्या लगा रहे हैं सर? ये स्प्रिंग रोल। ओ भाई स्प्रिंग रोल, ये समोसा, ये कचौड़ी, वाह ये लीजिए इसको। और इसके साथ सर लौंजी दीजिए। हाँ सर वो दे रहा हूँ, ये पकड़ी। अच्छा ये प्लेट एक आ गई और ये साथ में दूसरी आ गई। ये सर इमली वाली चटनी, ये लाल वाली चटनी और साथ में लौंजी, इमली और गुड़की, इमली और गुड़ की चटनी। और सर एक चीज बताइए प्राइसेस क्या है यहाँ पे? सर समोसे जो है 20 के 3 जी, कचौड़ी भी 20 के 3 जी, स्प्रिंग रोल जो है 10 रुपए का 10 रुपीज। अच्छा, और जो अपना ब्रेड पकौड़ा है वो भी 10 रुपीज। और ये एग्जैक्ट लोकेशन क्या है आपकी? सर अपना लोगर चौक ऑपोजिट गुरुद्वारा जी। अच्छा गुरुद्वारा लोगर साहिब है ये? यस सर। देखो भाई गुरुद्वारा साहिब यहाँ पे इसके एकदम सामने, यहाँ पे आपको राम जी की दुकान जो है वो मिल जाएगी। और सर यहाँ पे टाइमिंग्स क्या है आपकी? सर सुबह 7 बजे से लेके रात 7 बजे 8 बजे तक। सुबह 12 घंटे? 12 घंटे सर। वाह वाह वाह, 7 से 7 है। और यहाँ पे आके आप ट्राई करो, हम तो भाई साहब ये ट्राई करने वाले हैं। थैंक यू सर, क्या बात है भाई। भाई साहब स्वाद बटांदरा करने के लिए ना मुझे ये चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है भाई। ये स्प्रिंग रोल है और इन्होंने काटा नहीं है, इन्होंने शॉर्टकट अपनाया, सीधा क्रश कर दिया बीच में से, जैसे हम मंडी में से खीरा लेके क्रश करके खा लेते हैं ना, वैसे इन्होंने स्प्रिंग रोल को कर दिया है। तो ये अच्छे से लौंजी के अंदर डिप करके, अच्छे से ये स्वर्ल करके भाई साहब हियर इज भाई साहब। वैसे तो राम समोसे वाला जो है इनके समोसे बहुत फेमस है, बट मैंने सोचा कि ये जो स्प्रिंग रोल्स है इसको ट्राई करते हैं क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। हियर इज भाई एग्जैक्ट नूडल समोसे वाला फ्लेवर है, एकदम क्रंची बत रहा है। अंदर के नूडल्स जो है ना वो कम फ्लेवर वाले हैं, बट भाई साहब इनके यहाँ की लॉन्जी और ये नूडल्स वाला स्प्रिंग रोल
बहुत कमाल है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप यहाँ पे आके ट्राई ज़रूर करना राम समोसे वाला का स्प्रिंग रोल। आप बोलोगे हरिया भाई तो कमाल है यार। और सामने गुरुद्वारा साहब देखो यार, कितनी बढ़िया धूप लग रही है और वाइट कलर का मार्बल कितना ज़बरदस्त लग रहा है। बाबा जी ने अपने घरों का खास ध्यान रखा हुआ है देखो। भाई साहब अभी हम आ चुके हैं अमृतसर में प्यारे लाल पनीर भुर्जी वाला पे, जो कि सबसे पहले अटैक करने के लिए हथियार तैयारी रखे हैं भाजी आपने। ये सबसे पहले मक्खन, ये पूरी टिक्की डालोगे भाजी? ईंट डालोगे पूरी? आधी आधी डालेंगे। ओ भाई ये आधी जो मक्खन, ओ भाई साहब पनीर की भुर्जी बन रही है अमृतसर वाली स्पेशल। और आते ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम अमृतसर में, क्योंकि मक्खन पनीर दूध की कमी, क्रीम की कमी, मलाई की कमी अमृतसर में कभी हो नहीं सकती। भाजी एक चीज बताओ, ये नमक कितनी पुरानी दुकान है सर? ये 40-45 साल। और आपके दादाजी ने चालू करी थी? दादाजी ने चालू करी थी। और भाई साहब पीछे देखो, बाबा दीप सिंह जी की तस्वीर है, उनके कह लो मेहर है कि यहाँ पे दुकान इनकी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त चलती है। और भाई ये दूध, ये क्या रहा है? हरी मिर्च। ये आ गई जी मक्खन के अंदर डायरेक्टली हरी मिर्च और प्याज। प्याज जी भाजी मक्खन में पकाते हो? तेल वेल नहीं डालते? नहीं नहीं, कोई तेल नहीं है। सामने मक्खन रहा। जी 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 एकदम सिर्फ और सिर्फ मक्खन, और जो कहते हैं मक्खन और तांबा है या पीतल है? तांबे की कढ़ाई के अंदर मक्खन के अंदर प्याज और हरी मिर्च जो है उसको पकाया जा रहा है। ये क्या है जी? अदरक। ये आ गया जी अदरक। यहाँ पे अदरक अदकर कहते हैं ना, यहाँ पे अदकर कहते हैं, वैसे अदरक भी कह सकते हैं। और भाई साहब इसकी जो खुशबू आ रही है बहुत ही ज्यादा कमाल है। अच्छा साथ में टमाटर भी, जबरदस्त यार। अमृतसर की जो पनीर भुर्जी है ना भाई, उसके बिना तो अमृतसर का चक्कर अगर आप पूरा करके जाते भी हो तो आप बोलोगे नहीं यार इनकम्प्लीट रह गया। क्या खुशबू आ रही है भाई। एक चीज बताओ, आप इतनी बढ़िया पनीर भुर्जी जब बनाते हो तो मुंह में पानी नहीं आता? आपका खुद का मन नहीं करता? अच्छा खाते रहते हो? आपके चेहरे की मुस्कान बता रही काफी खाते रहते हो आप। दिन में 5-6 किलो आप ही खा जाते हो? कितनी? एक दो प्लेट? एक आधी प्लेट। सही है यार, बहुत बढ़िया। अगर इतनी बढ़िया बनाओगे तो खाओगे क्यों नहीं। ये क्या भाजी? सीक्रेट मसाला। सीक्रेट मसाला भाजी इसमें है क्या? अच्छा मतलब बताओगे भी नहीं, आज भी नहीं बताओगे? अच्छा ये तो बता दो वैसे इसमें मतलब ये इतना गाढ़ा गाढ़ा कैसे हो जाता है वो तो बता दो। बेसन डाला? बेसन है, बेसन में मसाले डाले हैं। और बेसन भुना हुआ है कच्चा बेसन है? कच्चा। कच्चा बेसन है, उसके अंदर मसाले डाल के नमक डाल के बस वो मिक्स कर दिया आपने। अब आएगा पनीर? अब आएगा जी पनीर। और पनीर देखो यहाँ पे ना इन्होंने स्टोर करके रखा हुआ है। और भाई अमृतसर में ना यहाँ पे चीज ग्रेटर वगैरह ऐसी कोई चीज होती नहीं है, सीधा पनीर को हाथ से ही क्रश करके डालते हैं। कमाल। लो जी पीछे से थोड़ा सा पनीर ये और आ गया है। और ये पनीर भी मलाई पनीर है ना? खुद की आपकी डेयरी है या कहीं से आप कहीं से लेते हैं? हाँ जी कहीं से लेते हैं? कहीं से लेते हैं आप? ओके वो भी फ्रेश देता है हमारे को सुबह। अच्छा अच्छा हर रोज सुबह? बढ़िया यार जबरदस्त। तो प्यारे लाल जी की जो पनीर भुर्जी है, अगर आप अमृतसर आते हो तो यहाँ पे पनीर भुर्जी खाए बिना आपका सफर अधूरा है, ये जरूर ट्राई करना। ये दूध भाई देखो, बेसन मक्खन दूध पनीर, आप सोच लो कि कितनी कैलोरीज है। तो भाई इसको हजम करने के लिए फिर कहाँ कहाँ भागना पड़ता है? जहाँ मर्जी भाग जाओ। सही है, बहुत बढ़िया यार। ये जो टका टक है ना, ये अमृतसर के खाने की पहचान है। भाजी यहाँ पे और क्या क्या होता है इस दुकान पे? नूडल कुलचा होता है, सैंडविच होते हैं हमारे मूल मक्खन में, वो पंजाबी तरीके लगते हैं। पंजाबी तरीके लगते हैं सैंडविच? पंजाबी पंजाबी तरीके। अच्छा उसमें न्यूट्री भी डालते हैं? चने लगा के मक्खन में फ्राई करते हैं। अच्छा क्या बात है यार, जबरदस्त पंजाबी तरीके के सैंडविच है। और ये बातों बातों में भाजी ने थोड़ा एक मौका और देखा दूध डालने का तो डाल दिया। और ये जबरदस्त वाली आपकी पनीर भुर्जी जो है बनके तैयार है। अभी प्लेट में लगा के दिखाओ। थोड़े प्याज, ये सलाद के लिए थोड़े से प्याज, और ये हरी चटनी, ये गुड़ की चटनी गाढ़ी वाली एकदम। और अब देखो पनीर की भुर्जी जो है ये अच्छे से ये, ओह वाह वाह जी वाह जबरदस्त यार। ऊपर से ये क्या भाजी? ये काली मिर्च, जीरा। काली मिर्च और जीरा। और इसके साथ ब्रेड भी देते हैं? धनिया ना, ये हरिया धनिया। और भाई साहब अभी देखो वो जो मक्खन की टिक्की इन्होंने काटी थी उसको भी छोड़ेंगे नहीं। हो, हो, हो भाई। और ये ब्रेड साथ में, ये तवे पे अपने टोस्ट करिए। हाँ। बहुत बढ़िया भाजी, एक बार लोकेशन बता दो। कटा जामा सिंह जी चेंज
जी कर्मों वाली गली पे आप प्यारा नाम प्रीति जी। और टाइमिंग्स आपकी? 9 से 9। 9 से 9 बजे तक, संडे 9 से 6। ये रात के 9 से 9 है, सुबह के 9 से 9? सुबह के 9 से लेके रात के 9 बजे तक पनीर भुर्जी खानी है। तो भाई साहब यहाँ पे आ जाओ, आप बोलोगे हरिया भाई तू कमाल है। भाजी ये क्या बना रहे हो? ये सैंडविच, ये पंजाबी सैंडविच। दिखाओ भाजी कैसे बनाते हो पंजाबी सैंडविच, मैंने सुना बहुत था। थोड़ा प्याज, टमाटर जी, प्याज टमाटर और साथ में खीरा। पाजी अभी तो मुंबई सैंडविच लग रहा है, इसमें पंजाबी क्या है? अभी आया है पंजाबी, देखना पंजाबी चीजें अभी आएंगी इसमें। धनिया, ये हरिया धनिया, बॉम्बे सैंडविच है अभी भी पाजी। ये तो ये अदरक भी आ गया, अदकर भी आ गया, काली मिर्च, जीरा, काली मिर्च और जीरा, थोड़ा नमक, हल्का सा नमक स्वाद अनुसार। और भाई ये देखो ये आ गया पंजाब, क्या बात है भाई, पूरा पूरा पीस पनीर का। चने, ये क्या है? चने, अमृतसरी छोले भाजी, सही बात है, ये सच्ची डालने वाले हो? डाल दिए भाई साहब। ये अमृतसरी छोले जो होते हैं ना, जो कुलचे के साथ खाते हैं, ये वो गुड़ की चटनी साथ में, भाई क्या बात है। इसने फ्राई कराने बटर में, फ्राई भी हो जाते हैं, सिंपल भी लेना, सिंपल भी हो जाता। अच्छा तो ये नॉन फ्राई वाला कस्टमर है? जी जी जी। ये देखिए थोड़ी सी हरी चटनी भी डलवा दी है ताकि एक बढ़िया सा फ्लेवर जो है चटोरी फ्लेवर आ जाए। और भाई ये बिना फ्राई के बट तब भी मक्खन का अटैक होगा, मक्खन हमारा यहाँ चलता ही है, मक्खन के बिना तो बात ही नहीं बनती ना सर, नहीं बनती बात। जी जी जी, यहाँ पे तो चाय में भी मक्खन है भाजी, तो ये तो चलो सैंडविच है इसमें तो जाएगा ही जाएगा। और ये वाला सैंडविच कितने का है सर? ये 70 का। और इसको अगर फ्राई कराना हो तो? वो 100 का है, मतलब 30 रुपए डिस्काउंट लेना हो तो बिना फ्राई के ले जाओ। बहुत ही बढ़िया यार, जबरदस्त। ये तो जैसे ना एक तरह से आपकी एक जरूरत है अगर आप अमृतसर में आते हो, ये ऐसी चीज है कि इसके बिना अगर आप चले गए ना तो आपको लगेगा कि यार इस बार अमृतसर गए थे पनीर भुर्जी नहीं खाई, वो वाली बात हो जाएगी। तो एक बाइट लेते हैं इसकी, ये देखो ये डिप करी हमने, ओ भाई गर्मा गर्म है एकदम जबरदस्त। मैं चाहता हूँ कि पनीर का जो बड़ा वाला पीस है ना ये आ जाए साथ में। श्योर इज अ बाइट ऑफ द स्पेशल पनीर भुर्जी, जबरदस्त वाली, यहाँ की तो बहुत ही ज़्यादा खास है। आपको पता है हम पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, वीडियोस बना चुके हैं, बट भाई अमृतसर आए और यहाँ पे ना खाया ना तो आप ही बोलोगे भाई हरिया आधी चीज़ें तो छोड़ दी तूने। तो हियर्स बाइट, इनका वो जो सीक्रेट मसाला है ना जो बेसन में मिक्स करके डालते हैं, गलबात ही एंड है, नेक्स्ट लेवल की गलबात है। वो अभी तक समझ में नहीं आया, कभी ऐसा लगता है कि उसमें कलौंजी डाली हुई है, कभी लगता है कि भाई लहसुन डाला हुआ है, कभी लगता है कुछ है, कभी लगता है कुछ है। घर पे जब भी बनाने की कोशिश करो ये वाला स्वाद तो वैसे ही नहीं बनेगा, क्योंकि अमृतसर के पानी में एक वो जो जादू है, गुरु साहब की जो एक मेहर है, पर घर में बनाने से आपको जो मसाले वो अगर आप ट्राई भी करोगे अमृतसर में रहते हुए भी तो आपसे वो बात नहीं बनेगी, यहाँ पे आके ही आपको खाना पड़ेगा। और आप जब यहाँ पे आके ट्राई करोगे आप बोलोगे हरिया भाई तो कमाल है यार। तो अमृतसर में अभी हम हैं जी अवतार सिंह जी के पास, जो बहुत ही जबरदस्त तलिया बनाते हैं। और मैंने देखा यहाँ पे ना दिल वाली टिक्की है। अंकल जी वैलेंटाइंस डे के लिए वैसे बनाते हो आप? नहीं रेगुलर है ये, रेगुलर ऐसी है तो। क्या बात है, तो ये दिल वाली टिक्की इसका मतलब कब से शुरू किया आपने? ये बहुत पुराना है, 40 साल पुराना है। अच्छा जी, तो अंकल जी आंटी जी के लिए बनाई थी आपने? हाँ जी, ये आंटी जी के लिए बनाई थी आपने दिल वाली टिक्की? सभी के लिए, सबके लिए, क्या बात है, आंटी के लिए करी होगी ना, जबरदस्त। यहाँ पे देखो ये दिल वाली टिक्कियाँ जो है वो सभी के लिए बनाते हैं और सभी को खिलाते हैं। अंकल जी कितना पुराना सेटअप है ये? 40 साल पुराना है। 40 साल, और आप ही ने शुरू किया था? डैडी ने, आपके पिताजी? वाह बहुत जबरदस्त। और ये पनीर वाले? हाँ जी। लो यहाँ पे देखो भाई एकदम जबरदस्त कटे हुए पनीर के पकौड़े हैं, और जो बेसन का ऊपर लेप है ना वो ज्यादा शेप खराब नहीं कर रहा है पनीर की, एकदम फ्लैट आउट पनीर के पकौड़े हैं। इसको अंकल जी पनीर के पकौड़े कह सकते हैं, कुछ और कहते हैं? पनीर पकौड़ा है, पनीर पकौड़ा है। और इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं? दाल का है ये जी, दाल का पकौड़ा, ये तो जैसे चाप होती है वैसा लग रहा है। ये ब्रेड का है। अच्छा, इसके साथ ब्रेड पकौड़ा भी है, बहुत बढ़िया जी। और हो गया दाल वाला, ये देखो भाई दाल वाला पकौड़ा जो है क्वार्टर काट के और फिर इसको फ्रायर में डाल देते हैं ताकि बढ़िया इसका जो है फुल डन हो जाए। ये आलू का है, ये है वो वाले जो आपने आंटी जी के लिए बनाए थे। अंकल जी आपके पिताजी भी ये बनाते थे? हाँ जी। अरे वाह क्या बात है, बहुत ही प्रेम प्यार वाला यहाँ पे स्टॉल है। और भाई साहब इनके पिताजी ने भी
यही वाले पकौड़े जो है बनाने शुरू किए थे। तो क्या लोकेशन है और प्राइसेस क्या है अंकल जी अपने? 20 रुपए पीस है सारे। हाँ जी, कोई भी ले लो 20 रुपए है। हाँ जी। और सरसों के तेल में फ्राई कर रहे हैं? डालडा में फ्राई कर रहे हैं। साथ में कुलचा है और दो तरीके की चटनियां हैं। भाई साहब अमृतसर वाला स्टैंडर्ड जो आपको तलिया है वो मिल जाएगा। अंकल जी एक बार चटनियां दिखाएंगे? भाई साहब एक तो ये सेब वाली अंकल जी, इमली वाली है? इमली वाली चटनी है। और पुदीने वाली, ये पुदीने वाली चटनी है भाई साहब। और साथ में प्याज है और अमृतसरी जो कुलचा होता है वो है। अंकल जी एक तो वो प्रेम प्यार वाली दीजिए प्लीज, एक तो प्रेम प्यार वाली टिक्की दीजिए और एक खिलाइए पनीर वाला पकौड़ा। लो। और यहाँ पे देखो भाई साहब, यहाँ पे इनके जो पुराने कस्टमर्स हैं सारे ऐसा लग रहा है कि जो बहुत टाइम से इनके यहाँ पे खाते हैं। अंकल जी सारे पुराने हैं कि नए भी हैं? ये नए हैं, बाकी सब पुराने हैं। अच्छा अच्छा जी, मतलब पुराने कस्टमर ज्यादा है और नए कस्टमर्स अभी आए हैं और सभी बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं यार, कमाल है। बड़ा भाई ये देखो ये प्लेट्स लग रही हैं। अंकल जी कौन से वाले लगा रहे हो? ये पनीर वाला। ये पनीर वाले पकौड़े की प्लेट लग रही है, साथ में दो तरीके की चटनियां मिक्स। और भाई मैं शॉर्ट मिस कर गया प्याज का, बट ये साथ में है और इसके साथ आपको कुलचे भी मिल जाएंगे, दैट्स द बेस्ट पार्ट। अंकल जी कढ़ी भी होती है? नहीं कढ़ी नहीं, चटनी है। बहुत बढ़िया। और टाइमिंग्स क्या है आपके यहाँ की? 12 से 7 बजे तक। अच्छा, दोपहर को 12 बजे से 7 बजे तक। और बहुत ही ज़बरदस्त ये स्टॉल है, आप देख लो एक बार, स्टॉल को पहचान लो, एकदम लिट स्टॉल है। और अंकल जी यहाँ पे आपको खड़े हुए मिल जाएंगे, एकदम साफ सुथरा सेटअप है। वैसे अमृतसर में तलिया जो है बहुत जगह पे मिलता है, बट भाई एकदम साफ सुथरा तलिया आपको बहुत कम मिलेगा। ब्रेड बना, ब्रेड पनीर। ये देखो पनीर वाले और ये दिल वाले स्पेशल वाले इस मोहब्बत वाले पकौड़े जो है वो बन के तैयार हैं। चटनियाँ आ गई ग्लास के अंदर। अंकल जी मिक्स सर्व करते हैं भाई, ये चीज सबसे ज्यादा बढ़िया है यहाँ पे ना, चटनी को मिक्स करके सर्व करते हैं ताकि खट्टा मीठा और नमकीन जो है स्वाद इकट्ठा ही आ जाए। और ये पकौड़े को, ब्रेड वाले पकौड़े को इन्होंने बीच में से काट लिया है और साथ ही ये अच्छा दिल वाली जो टिक्की है वो ऐसी सर्व करते हैं। और इसके साथ भाई साहब ये चटनियाँ और ये सलाद। और अंकल जी कुलचा भी दीजिए प्लीज। अमृतसर में अगर आप तलिया खाते हो तो कुलचे के बिना मजा नहीं आएगा। ये देखो ये आ गया जी आपका कुलचा। और अभी हम यहाँ से लेते हैं भाई कुलचा जो है, इसको उठाते हैं और यहाँ से ये पनीर। या मैं ऐसा करता हूँ, दिल वाला जो पकौड़ा है ना भाई, दिल चीर फाड़ करते हैं और दिल खाते हैं। ये देखो जी ये है आपका, आपका और हमारा दिल भाई ये जुड़ गया है। और ये डिप किया चटनी के अंदर। ओ भाई 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 ये देखो, श्योर इज अ बाइट। भाई साहब एक तो सबसे पहली बार जो अमृतसरी कुलचा है ना, उसका मुकाबला ही नहीं, इतना ज़बरदस्त स्वाद होता है इसका। और जो दिल वाली टिक्की है उसके अंदर अंकल जी ने ना सूखा धनिया डाला हुआ है, वो क्रंच आ रहा है उसकी, एक हर बाइट में उसका क्रंच आ रहा है। वो वाला कुलचा, ये खमीरी कुलचा, उसके साथ वो दिल वाली टिक्की। अब ना मेरा मन कर गया है पनीर का जो पीस है वो ट्राई करने का, तो ये भी ट्राई कर ही लेते हैं ये चटनी के अंदर डिप करके अच्छे से। एंड भाई भाई साहब ये पनीर वाला पकौड़ा और इसके साथ वही कुलचा और प्याज और चटनी, और भाई जबरदस्त स्वाद। इतना ज़्यादा कमाल है कि लिटरली जब आप यहाँ पे आके ट्राई करोगे, एक तो हाइजीन बहुत ज़बरदस्त हाइजीन है, टेस्ट बहुत अच्छा है, चटनियाँ बहुत अच्छी हैं और कुलचे का कॉम्बिनेशन एकदम एक नंबर। आओ ट्राई करो, आप बोलोगे अरे भाई तो कमाल है।